मेरे प्यारे देशवासियों, 31 जनवरी 2020 को लद्दाख की खूबसूरत वादियाँ एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी। लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान ने जब उड़ान भरी तो एक नया इतिहास बन गया। इस उड़ान में 10% इंडियन बायो जेट फ्यूल का मिश्रण किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजनों में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, लेह के जिस हवाई अड्डे पर इस विमान ने उड़ान भरी, वह न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट में से एक है। खास बात यह है कि बायो जेट फ्यूल को नॉन एडिबल टी बोन ऑयल से तैयार किया गया है। इसे भारत के विभिन्न आदिवासी इलाकों से खरीदा जाता है। इन प्रयासों से न केवल कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती है। मैं इस बड़े कार्य में जुटे सभी लोगों को बधाई देता हूँ, विशेष रूप से CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बायोफ्यूल से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव कर दिया। उनका ये प्रयास मेक इन इंडिया को भी सशक्त करता है।